हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल कृष्ण में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान छात्रावास अधीक्षक ग्रेड टू हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड टू की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है लगातार इसकी अपडेट सामने आ रही है। इसको सीईटी ग्रेजुएशन लेवल स्नातक में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आपके कॉमेंट सामने आ रहे हैं कि सर ये छात्रावास अधीक्षक ग्रेड टू जो भर्ती है इसके बारे में बताइए, इसकी एज लिमिट क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारी बातें इसके बारे में बताइए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा टोटल कितनी पोस्ट हैं, कैसे इसका सिलेक्शन होता है, इसकी सैलरी कितनी होती है, कैसे इसकी आप तैयारी सकते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो एंड तक आपको वीडियो को देखना है और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है ग्रेजुएशन लेवल का जो सीईटी के जो फॉर्म है वो भी चल रहे हैं और उसमें लगभग जो है 8 भर्तियां शामिल हैं, जिसमें से एक भर्ती आपके छात्रावास अधीक्षक ग्रेड टू शामिल है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा ये कौन से विभाग की भर्ती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की भर्ती है, ठीक है। तो समाज कल्याण जो विभाग है आपका उसकी यह भर्ती है छात्रावास अधीक्षक ग्रेड टू भर्ती। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो 335 ये पोस्ट है। अब मैं आपको थोड़ा होल्ड करना चाहूंगा यहां पर और थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। ये जो लास्ट टाइम इसकी जो भर्ती हुई थी छात्रावास अधीक्षक की, ये 2016 में हुई थी। 2016 में जो ग्राम सेवक है, पंचायत सचिव और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड टू, ये दोनों साथ में हुआ था। इन दोनों का जो एग्जामिनेशन है वो साथ में हुआ था, इनके फॉर्म भी जो है साथ में निकले थे। और यहाँ पर इन दोनों की जो एलिजिबिलिटी थी वो वहाँ पर जो है ग्रेजुएशन थी 2016 में और साथ में RSCIT कोर्स मांगा गया था। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 21 और मैक्सिमम 35 थी। ये बात कर रहा हूँ मैं 2016 की, जब इसकी लास्ट टाइम भर्ती निकली थी आपके छात्रावास अधीक्षक ग्रेड टू की। उस टाइम पर इसमें कितनी पोस्ट थी, तो 300 पोस्ट थी। अब उसके बाद में 2016 के बाद में अब जाके 2022-23 में इसकी वैकेंसी आने वाली है, जिसको सीईटी में शामिल किया गया है, जिसके लिए आपको सीईटी देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस बार 335 पोस्ट हैं। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, थोड़ा कन्फ्यूज मत होना। यहाँ पर ये जो भर्ती है आपके छात्रावास अधीक्षक ग्रेड टू, ये आपको 12th लेवल में मिलेगी, वो अल्पसंख्यक विभाग की भर्ती है, उसको रहने दीजिए। मैं अभी आपको बता रहा हूँ जो आपके फॉर्म चल रहे हैं, जिसको सीईटी ग्रेजुएशन लेवल स्नातक में शामिल किया गया है, जिसकी टोटल पोस्ट 335 है और ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की भर्ती है, ठीक है। योग्यता यहाँ पर जो है ओनली ग्रेजुएशन है, आपके पास RSCIT है नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ओनली ग्रेजुएशन यहाँ पर जो है आपकी एलिजिबिलिटी को रखा गया है। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 40 है। अगर आप 21 साल की आयु कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म लगा सकते हैं। मैक्सिमम 40 है और जो आरक्षित वर्ग हैं उनको छूट भी रहेगी 5 साल की। आगे हम बढ़ते हैं। राजस्थान सीईटी एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल का जो नोटिफिकेशन है, जो डिटेल नोटिफिकेशन है, वो आउट हो चुका है, उसमें इस भर्ती को शामिल किया गया है। तो अगर आपको छात्रावास अधीक्षक ग्रेड टू बनना है, अगर आपको हॉस्टल सुपरिटेंडेंट बनना है, तो आपको पहले सीईटी एग्जाम जो प्री एग्जाम के तौर पर हो रही है ये आपको देना होगा, ठीक है। इसकी एग्जाम डेट भी घोषित हो चुकी है, इसके फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर राजस्थान सीईटी एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल की अगर हम बात करें तो इसके जो फॉर्म है 22 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, 21 अक्टूबर तक इसके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। सैलरी कितनी मिलेगी, तो सैलरी जो है मैंने लास्ट जो 2016 वाला जो नोटिफिकेशन था उससे वहां पर देखी है, ग्रेड पे इसका 2400 रहता है, 5200 से लेकर 20200 इसका पे बैंड है। तो यहां पर ग्रेड पे इसका 2400 है और सैलरी आपको 20200 यहां पर मिलने वाली है स्टार्टिंग में। तो राजस्थान छात्रावास अधीक्षक ग्रेड टू की बात करें, ये भर्ती आपके सामने बड़ी भर्ती है ग्रेजुएट विद्यार्थियों के लिए आने वाली, एक बार फिर से 2016 के बाद एक बार फिर यह भर्ती आने वाली है, सभी को प्रिपरेशन करनी चाहिए। और अगर आप यहां पर छात्रावास अधीक्षक ग्रेड टू बनना चाहते हैं तो आपको अब सीईटी की तैयारी करनी होगी, जिसकी एग्जाम 6, 7, 8 और 9 जनवरी 2023 को होने वाली है। तो उस एग्जाम को टारगेट मानकर आपको प्री एग्जाम के तौर पर यह तैयारी करनी है। उसमें 8 भर्तियां शामिल हैं, जिसके अंदर जूनियर अकाउंटेंट है, आपका छात्रावास अधीक्षक है, महिला विभाग की जो भर्ती है वो भी उसमें शामिल है, महिला अधिकारिता विभाग, तो और भी काफी सारी वैकेंसी है। टोटल 8 वैकेंसी है, जिनके लिए एक आपको प्री पेपर देना पड़ेगा और वो है राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल। तो इसकी एग्जाम जनवरी में होगी, फॉर्म चल रहे हैं, सबसे पहले फॉर्म लगाइए, उसके बाद में इसका जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, वो भी जारी हो चुका है। सिलेबस एग्जाम पैटर्न आप सभी को पता है, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होगा, 300 नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर आपका कंप्लीट भारत का GK है, राजस्थान का कंप्लीट GK है, इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश है, मैथ और रीजनिंग है, कंप्यूटर है, साइंस, टेक है, काफी बड़ा सिलेबस है। तो जो भी समय आपके पास शेष बचा हुआ है, आप सभी को पता है लगभग 3 महीने आपके पास में है, तो इन 3 महीनों में आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको आगे जाके यहां पर जो है छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 में शामिल होना है, इसमें एक पोस्ट आपको लेनी है,
तो 335 पद हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, बहुत ही शानदार पोस्ट होती है। पहले भी ऐसे काफ़ी बार इनकी एग्जाम्स हुई हैं, तो आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सीईटी 2022 की अगर हम बात करें, ग्रेजुएशन लेवल की, इसकी तैयारी कहाँ से करें, जिसकी एग्जाम जनवरी में होने वाली है, तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इस पर आप कॉल लगाइए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपकी रणनीति होनी चाहिए, कहाँ से आप तैयारी करें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, ये मैं आपको बता दूंगा पर्सनली, ठीक है? तो कॉल जरूर करें। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार वापस से देख लीजिए कि राजस्थान छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 भर्ती 2022-23 जो सीईटी के तहत हो रही है, पहले सीईटी एग्जाम देनी होगी, उसके बाद में मुख्य परीक्षा होगी, ठीक है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की भर्ती है, टोटल पोस्ट इसमें 335 है इस बार, योग्यता ओनली ग्रेजुएशन है, स्नातक है, आयु सीमा 21 है मिनिमम, मैक्सिमम 40 है, राजस्थान सीईटी एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है, ये आपको देना होगा। फॉर्म 22 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं सीईटी के, 21 अक्टूबर तक चलेंगे, और अगर सैलरी या ग्रेड पे की बात करें तो 2400 आपकी ग्रेड पे रहने वाली है। तो ये कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दी है, साथ ही जो है तैयारी करने के लिए मैंने आपको नंबर दे दिया है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप पूछेंगे सर ये छात्रावास अधीक्षक क्या होता है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी सरकारी कॉलेज होती हैं, जितने भी महाविद्यालय होते हैं, वहां पर छात्रावास भी होते हैं, तो जो सरकारी छात्रावास हैं उनके जो हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट होते हैं, जो अधीक्षक होते हैं, जो हॉस्टल वार्डन जिसको हम कहते हैं, हॉस्टल के जो मैन जो हेड होते हैं, वो अधीक्षक पोस्ट होती है, ये ग्रेड 2 की पोस्ट है, और ये आपके इस बार जो है 335 पद पर आने वाली है। तो आप लोग फॉर्म जरूर लगाएं, उसके लिए पहले आपको सीईटी क्लियर करना पड़ेगा। सीईटी के जो 15 गुना विद्यार्थी होंगे इसकी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, तो आपको भी टारगेट होना चाहिए सीईटी, उसके बाद में तुरंत ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसके फॉर्म भरवा लिए जाएंगे और इसकी एग्जाम भी हो जाएगी। मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा, लगातार आपके कॉमेंट आते हैं सर अभी तो सीईटी एग्जाम होगा, बाद में मुख्य परीक्षाएं कब होंगी, अलग अलग भर्तियां कब होंगी, तो चाहे इसमें जितनी भी भर्तियां शामिल है, चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो या आपका अधीक्षक हो, ये जितनी भी भर्तियां शामिल हैं ये समय पर हो जाएंगी, ज्यादा समय यहां पर नहीं लगेगा, तो 2023 के अंदर आपकी पोस्ट यहां पर निश्चित हो जाएगी। तो आपके कमेंट आ रहे थे काफी सारे, मैंने वीडियो बना दिए, इस प्रकार की और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।